नई नवेली दुल्हन ले भागी नकदी और जेवरात। जी हाँ, यूपी के आगरा के निकट बरौली गुर्जर गांव से अलवर शहर के बुध बिहार शादी कर आई दुल्हन 5 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए के जेवर लेकर भाग निकली। दूल्हे के परिवार से शादी करने से दुल्हन वाले ने पहले 5 लाख रुपए लिए। शादी के बाद हंसी खुशी परिवार ने करीब 10 लाख रुपए के जेवर बनवा दिए। अगले 10 दिन बाद दुल्हन का भाई लेने आया, परिवार ने वापस पीहर भेज दिया। उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आगरा गया तो दुल्हन के परिवार के लोगों ने धमकाया, कहा कि दोबारा आए तो झूठा केस लगा जेल भिजवा देंगे। यूपी के पुलिस ने भी परिवार को डरा दिया कि बरौली गुर्जर गांव में 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जो इसी तरह ठगी करते हैं। अब परिवार ने अलवर के शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दूल्हे कुलदीप के पिता राम गोपाल ने बताया कि रामवीर सिंह व उसकी पत्नी अर्चना देवी निवासी वृंदावन जगजीत नगर शमसाबाद रोड आगरा यूपी के हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भतीजी मनीषा तोमर का विवाह करना है, हम आपके बेटे कुलदीप सिंह से भतीजी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन विवाह का खर्च बेटे पक्ष को वहन करना होगा। इस पर सहमति होने के बाद 4 नवंबर 2022 को विवाह का पूरा खर्च उठाते हुए कुलदीप व मनीषा की शादी हो गई। शादी में खर्च के नाम पर बेटी वाले ने पहले 3 लाख रुपए वसूले, बाद में 20 जने आगरा के जगजीत नगर बारात लेकर करीब 10 लाख रुपए के जेवर दिए। उसके बाद देवी देवताओं के दर पर ढोक देने गए। 10 दिन बाद दुल्हन का भाई ले गया। इसके बाद 11 नवंबर को मनीषा का भाई नीरज पुत्र किशोर सिंह, पंकज पुत्र राम सिंह, कृष्णा जैन यहां आए और मनीषा को लेकर चले गए। मनीषा पूरे जेवर पहनकर घर से पीहर के लिए निकली। इसके बाद में मनीषा का पति कुलदीप उसे लेने वापस गया, लेकिन मनीषा के पिता किशोर सिंह, पुत्र निहाल सिंह, माता ललिता देवी, चाचा रामवीर सिंह व चाची अर्चना ने वापस भेजने से मना कर दिया। यही नहीं, धमकी दी कि वापस जाओ वरना दूसरे केस में फंसा देंगे, हम ऐसे ही लोगों से रकम व जेवर ठग। जी बताइए पूरा मामला। ये 4/11/22 को बच्चे की शादी हुई थी, वो 4/11/22 को शादी हुई, जिस तरह से अपने हिंदू रीति रिवाज से लेकर के आते हैं उस हिसाब से लेकर के आए हैं, और 11/11/22 को यहाँ से खुशी खुशी और यहाँ से बिला करके भेजा है और बाकायदा सारा जेवर पहना करके बड़े हंसी खुशी यहाँ से भेजा था। उसके बाद में रामवीर और अर्चना देवी ये दोनों इसके लड़की के चाचा और चाची हैं, जिनकी नीयत ये जेवर पर खराब हो गई और उसको लड़की को वहीं बैठा लिया, आज तक नहीं भेजा है। बच्चा कई बार लेने के लिए गया लेकिन आज तक उन्होंने नहीं भेजा। लड़का कब गया था और उसको क्या कहा गया लड़के से? लड़के को बस करीबन 10-15 दिन बाद लड़का गया था यहाँ से लेने के लिए, तो लड़के को वहाँ से कि हमको इसी तरह से नुमाइशी शादी करके और ये सामान रखते हैं, ये ही हमारा कार्य है, और उस गांव में इसी तरह के कई मतलब जो है इस तरह के हैं जो कि शादी कर देते हैं और बाद में जब जो है विदा करा के लाते हैं तो वो जेवर वगैरह सब रख लेते हैं। और मतलब जो है कौन सा गांव है उस लड़की का, आपको कैसे पता लगा कि उस गांव से इतने लोग हैं 20 से 25 केस आप बता रहे हैं? ये हम जो है चौकी थाने में गए थे, तब वो थानेदार ने हमसे वहाँ पंचायत हुई थी तो उस समय उन्होंने थानेदार ने हमें बताया था कि इस गांव के इसी तरह से 20-22 केस हैं जो कि इसी तरह का करते हैं, शादी कर देते हैं, बाद में जेवर पहन के आती है। तो कौन से गांव की लड़की है? बरौली गुजर। क्या नाम है लड़की का? मनीषा तोमर। हाल में सर बताइए जो मामला सामने आया है क्या मामला है? ये 29 अप्रैल कल जो राम गोपाल सिंह है बुध विहार के रहने वाले हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि जो इनका जो लड़का है उसकी इन्होंने कोई शादी वगैरह हुई थी इसकी, तो 2022 में और जो जिनसे शादी हुई थी वो 2022 में और यहाँ चली गई थी, यूपी की रहने वाली है। तो अब इनका ये कहना है कि वो हमारे जेवर वगैरह लेके चली गई, तो 2022 में चली गई और मुकदमा आवेदन करवाया है 1.5 साल बाद में लगभग, तो हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच कर रहे हैं। किन दारों में मुकदमा दर्ज किया? 420 में दर्ज किया।
ये कितना जेवर ले गई थी, कितना कुछ? इन्होंने लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा करवा दिया और कार्तिक को धोखा देने के इसलिए आरोप लगाए। तो इस मामले में मामला इसमें जांच की जा रही है।